सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वेदो अखिलो धर्ममूलम्। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना तथा आचरण में लाना हम सभी का परम कर्तव्य है। हम इस स्वधर्म को स्वकर्म को जीवन में उतारे मनसा वाचा कर्मणा। वेदों के संकेत को हम अपने कर्मों में स्थान दें तो निसंदेह हमारा जीवन अत्यंत सुंदर और हर प्रकार से तेजस्विता से युक्त होगा। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं और चतुर्थ मंडल में हमने 52वां सूक्त पिछली कक्षा में पढ़ा था, पूरा किया था। आज हम 53वां सूक्त आरंभ करेंगे। तो इसमें क्योंकि पिछले 51वें और 52वें सूक्त में उषा का वर्णन है, उषा देवता है, उषा काल में उठना, उषा काल में अपने संकल्पों को दोहराना, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करना, ये स्वास्थ्य के लिए तन मन का स्वास्थ्य वतन का स्वास्थ्य इससे ठीक होता है, ऐसी हमने प्रार्थनाएं पढ़ी थी समझी थी। और अब 53वें सूक्त में सविता का विशेष रूप से आलंबन लेने की बात कही है। उषा काल की समाप्ति पर ज्ञान सूर्य का उदय होता है, यह अगला सूक्त सविता का है। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रथम मंत्र आपके समक्ष लिखता हूँ, फिर आगे चर्चा करते रहेंगे। ओम तद्देवस्य तद्देवस्य सवितुर्वार्यम् महत वृडी महे सवितुर्वार्यम् महत् वृणीमहे असुरस्य प्रचेतसः असुरस्य प्रचेतसः छर्दिर्येन दाशुषे
शरदीर्येण दाशुषे यक्षतीत्मना यक्षतीत्मना तन्नो महाउदयान देवो अक्तुभिः ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 53वें सूक्त का पहला मंत्र है। ओम तद्देवस्य सवितुर्वार्यम् महद्वृणीमहे असुरस्य प्रचेतसः शरदीर्येण दाशुषे यच्छतेत्मना तन्नो महाउदयादेवो अक्तुभिः। ओम तद्देवस्य सवितुर्वार्यम् महद्वृणीमहे असुरस्य प्रचेतसः शरदीर्येण दाशुषे यच्छतीत्मना तन्नो महाउदयान देवो अक्तुभिः। बहुत सुंदर बात है। देवस्य जो प्रकाशमय है देवतनात् देव, जो द्योतित है, जो प्रकाशित है, प्रकाश से युक्त है, सवितुः जो सबका नियमन भी करता है, सबको प्रेरित करता है, सबको प्रकाशित करता है, ऐसा प्रेरक प्रभु, प्रेरक प्रभु के तद उस वार्यम वर्णीय महत जो महनीय तेज को वृणी महे वरते हैं, हम उस तेजोमय उस प्रकाशमय शक्ति को ग्रहण करते हैं, उस तेज को अपनाते हैं, उसका वर्ण करते हैं, वरते हैं। जैसे हम बोलते हैं भूर्भुवस्वः तत् सवितुर्वरेण्यम, जो वर्णी है, वर्ण करने की योग्य है, जो धारण करने की योग्य है, तो ऐसे सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, उस प्रभु के तेजोमय प्रकाशमय स्वरूप को हम धारण करते हैं, हम प्राण शक्ति को धारण करते हैं, उस प्रभु के तेज को वरते हैं जो कि असुरस्य प्रचेतसः, असुन राति प्राण शक्ति का संचार करने वाले हैं और प्रकृष्ट चेतना वाले हैं, प्रभु शक्ति व ज्ञान के पुंज हैं।
हम भी इनके तेज का वर्णन करते हैं। इसी तेज को धारण करने के लिए हम यत्न करते हैं। तेजोमय भव्य दिव्य जीवन की यात्रा के लिए सतत इसका धारण करना हम सबके लिए परम कर्तव्य होगा, क्योंकि बिना इसके धारण किए जीवन की गति नहीं होगी। प्रकाश आवश्यक है समुचित गति के लिए। अगर प्रकाश युक्त गति नहीं है, ज्ञान युक्त गति नहीं है, तो हमको दुर्गति का सामना करना पड़ता है। परंतु यदि प्रकाश में हम गति करते हैं, विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, वैराग्य पूर्वक अपने जीवन को जीते हैं, तो ऐसा जीवन निसंदेह दुर्गति के लिए नहीं अपितु प्रगति के लिए हो जाता है। हमारी मति, हमारी जो कृति है, हमारी जो भक्ति है, वह श्रेष्ठता को प्राप्त होती है। तो मति पूर्वक गति प्रगति करें, और मति पूर्वक नहीं करेंगे तो अति करेंगे तो अति में दुर्गति है। इसलिए ज्ञान और प्रकाश दोनों की आवश्यकता होती है। तो प्राण शक्ति का संचार करने वाले हैं और प्रकृष्ट चेतना वाले हैं, प्रभु शक्ति व ज्ञान के पुंज हैं। हम भी इनके तेज का वर्णन करते हैं। संसार में हम देखते हैं जो व्यक्ति जितना बलशाली है, जितना उसके सामर्थ्य है, तो उससे कम सामर्थ्य वाले लोग उसको अपना आदर्श मानते हैं, उससे कुछ पाना चाहते हैं। और ऐसा ही पूरे हम ब्रह्मांड में देखते हैं, जो कम शक्ति वाला है उससे जिसकी शक्ति ज़्यादा है उसका वो आलंबन लेकर के संसार में गति कर रहा है, अपनी प्रगति कर रहा है। घर परिवार संसार सब जगह देखें, सब स्थानों पर देखें, जो अल्प शक्ति वाला है वह अपने से बढ़े हुए शक्ति वाले का आलंबन लेता है, उसका अनुकरण करता है, अनुसरण करता है, उसके प्रति अपना आभार प्रकट करता है कि उसके ही द्वारा उसको भी पुष्पित पल्लवित हो रहा है, विकसित हो रहा है। ऐसे ही इस संसार में सूर्य जो सबसे, क्योंकि सूर्य भी तो परमात्मा का ही बनाया हुआ है, तो उस सूर्य के माध्यम से हमको जो शिक्षा मिलती है, जो ज्ञान मिलता है कि हम सदा प्रकाश में रहें और दूसरों को भी प्रकाश दें। हम कभी भी गलत विचार मन में न लाएं, हम देवत्व के गुणों से युक्त हों, असुरत्व के गुणों से मुक्त हों। और वास्तव में हम जैसे वे प्रभु हर प्रकार से सक्षम हैं, प्रचेता हैं, वो हमारे लिए प्रभु प्रकाश की किरणों के साथ हमें तेजस्विता प्रदान करते हैं, तो जिस तेज से वे प्रभु दासुषे दासवान के लिए, जिसने आत्मसमर्पण किया है, जो अनकंडीशनल सरेंडर में रहता है, उसको छर्दी शरण को ये क्षति देते हैं। महान देव, वे महादेव न हमारे लिए मना स्वयं अक्तु भी अपना जो है प्रकाश हमको प्रदान करते हैं, अपने प्रकाश की किरणों के साथ तत् उस तेज को उदयान दें। प्रार्थना है कि मेरा जीवन अंधकार से बाहर आ जाए, मैं जीवन में कभी भी भूलू नहीं, बिसरू नहीं, भटकू नहीं, विषयों में अटकू नहीं, ऐसा समर्थ स्वभाव, समर्थ गुरुओं की सन्निधि और वेदों के उपदेश से ही हमको मिल सकती है, इसलिए ये प्रार्थना की है। और तेजो में वे प्रभु हैं, तो दूसरे मंत्र में भी यही बात कही, ओम दिवो धरता भुवनस्य प्रजापति पिशंगम द्रापिम प्रति मुंचते कभी विचक्षण प्रथयन्ना प्रणोन
परजीचन सविता सुमनम उक्थम सुमनम अजीजनत। कहा कि दिवा धरता प्रकाश को धारण करने वाले भुवनस्य प्रजापति ही सारे ब्रह्मांड की प्रजाओं के रक्षक कवि क्रांतदर्शी प्रभो पिशंगम द्रापिम तेजोमय हिरण्यमय कवच को प्रति रूप जो विशेष रूप से वे सबके सविता प्रेरक प्रभु सर्वत्र अपने तेज को प्रथयन विस्तृत करते हैं पृथु विस्तारे और आप्रीणन आपूरित करते हैं। आपूरित करते हुए विशाल उक्थम स्तुत्य सुमनम सुख को अजीजनत उत्पन्न करते हैं। तो दिवो धरता भुवनस्य प्रजापति पिशंगम द्रापिम प्रतिमुंचते कवि विचक्षणा प्रथन्ना प्रणन्नु वर्जी अजीजनत सविता सुमनम उक्थम। प्रभु तेजोमय है, यदि मैं प्रभु का धारण करूंगा तो वे मुझे विशाल स्तुत्य आनंद को प्राप्त कराएंगे। जितना जिस क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हैं, जिसके प्रति हमारी रुचि होती, जिसके प्रति हमारा समर्पण होता है, उससे हम जरूर प्रभावित होते हैं, प्रकाशित भी होते हैं, प्रभावित भी होते हैं। इस प्रकार से हमारा श्रेष्ठ आचरण हो और हम तेज को धारण करने वाले बने। जैसे सूर्य हमारे लिए अत्यंत प्रकाशक है, अत्यंत हमारे लिए प्रेरक है, अत्यंत हमारे लिए ऊर्जा का संचार करने वाला है, ऐसे ही हम वास्तव में बने। और कहा तीसरे मंत्र में ओम आप्रारजांसि दिव्यानि पार्थिवा श्लोकम देवा कृणुते स्वाय धर्मणे प्राबाहु अस्राक सविता सविमनि निवेशयन प्रसुवन्नाक्तु भिर जगत। कहा कि देव वे प्रकाश में प्रभो दिव्यानि द्युलोकस्थ तथा पार्थिवा इस पृथ्वी से संबद्ध रजांसी लोक अर्थात क्षेत्र अपराह आपूरित किए हुए हैं, उनको व्याप्त करने वाले वे प्रभो स्वाय धर्मणे अपनी धर्म प्रजा के लिए श्लोकम कृणुते यश को करते हैं अर्थात अपनी धारण शक्ति के कारण यशस्वी हो रहे हैं। उस विष्णु अर्थात जो व्यापक विश्वी व्याप्त उसकी महिमा यही है कि वे इस अनंत प्रतीयमान ब्रह्मांड को भी अपने एक देश में धारण करके रह रहे हैं। पादो यस्य विश्वाभूतानि वे सविता वे सकल जगत के उत्पादक सबके प्रेरक प्रभु सभी मनी इस उत्पन्न जगत में सर्वत्र बाहु भुजाओं को प्रसारिति फैलाते हैं। अपनी भुजाओं से सारे ब्रह्मांड को धारण कर रहे हैं, चला रहे हैं, एंड से लेकर के एलिफेंट तक, कीड़ी से कुंजर सभी पशु पक्षी जो भी कीड़े मकोड़े हाथी घोड़े हैं उन सबको वो चला रहा है, मनुष्यों को भी चला रहा है। तो ऐसी जो धारणा है, ऐसा जो विश्वास है, हम उस विश्वास को उस धारणा को सदा बना करके रखें। यही वेदों के उपदेश का संदेश का उत्कर्ष का उद्देश्य है कि हम प्रभु की प्रेरणा से प्रेरित रहें, कभी भी हमारे जीवन में अवनति ना आए। हम सारे संसार के जो प्रकाशक प्रभु हैं उस प्रभु के सच्चे भक्त बने और प्रकृति के दृष्टिकोण से सब जगत के उत्पादक हैं वे प्रभु, जीव के दृष्टिकोण से भी वे सबके प्रेरक हैं। एक प्रभु की ही एक भुजा यदि पिंडों को अपने अपने स्थान में निवेशित करती है तो दूसरी भुजा से सब प्राणियों को कर्तव्य का निर्देश करती है। तो हमारा जीवन कैसे प्रकाशित हो वो हमको ये सारी सृष्टि सिखाती है, शिक्षा देती है।
हम शिक्षित हों, दीक्षित हों, रक्षित सुरक्षित हों, ये हम सबका परम कर्तव्य है। प्रभु का गुणगान करें, उसका ध्यान करें, यही इस उपदेश का सार है। और इस उपदेश को यदि हम स्वीकार करते हैं तो जीवन का उद्धार है, नहीं तो जीवन हमारा अत्यंत कष्टकारी हो जाता है। प्रभु की प्रेरणा से हम प्रकाशित हों, जैसे सूर्य अकेला इस पृथ्वी को प्रकाश देता है, ऐसे ही हमारे जीवन में भी ज्ञान का प्रकाश हो, जिससे हम स्वयं भी प्रकाशित हो और इस संसार को प्रकाशित करें, दुख से, दर्द से, कलह क्लेश से उसको दूर करें। प्रभु की जो रक्षाएं हैं, जो प्रभु का स्वभाव है रक्षक, वो हमारे अंदर भी हो, हम भी दीन दुखियों की रक्षा करने वाले हों। सबसे पहले अपनी तो रक्षा करें, अपने अज्ञान से, अविवेक से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, अपने आप का हम उनसे बचने का प्रयास करें और दिव्यता भव्यता से हम आगे बढ़ें। तो इस प्रकार से चहुं ओर यदि हम देखते हैं, दृष्टि डालते हैं, तो स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसावि, वो जैसे सूर्य चंद्र अपने कर्तव्य में कभी थकते नहीं, रुकते नहीं, ऐसे ये हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं, प्रेरणा देते हैं। प्रेरणा तो किसी से भी मिल सकती है, चाहे जड़ हो या चेतन हो। सीखने के लिए कभी कोई स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। तो उदाहरण देते हैं, तो एक तो सूर्य जो हमको दिखाई पड़ता है स्थूल रूप में, और एक सूर्य वो जो सबको प्रकाश देता है। सूर्य में भी जिसका प्रकाश कार्य कर रहा है वो परम सूर्य, परम पिता परमेश्वर। प्रभु सब प्राकृतिक पिंडों का अपने अपने स्थान में धारण करते हुए तथा निवेशन, उनमें निवास करने वाले प्राणियों को अपने अपने कर्तव्यों की प्रेरणा दे रहे हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो प्रेरणा से हम प्रेरित हों और अनकंडीशनल सरेंडर, किसी भी प्रकार से हठ, दुराग्रह या ऐसा कोई भाव हमारे अंदर ना आए जिससे हमारे अंदर अहंकार घर कर जाए। अब उसने जीवन दिया, जगत दिया है, तो उसी का ही हमारे अंदर कार्य होना चाहिए। ये जीवन तुम्हारा, तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, दया करके सद जान देते ही रहना। जो सच्चा है रास्ता उसे तुम दिखा दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ओ करुणा के सागर, दया के होदाता, तुम ही जग के पालक, तुम ही हो विधाता। ये सोया है मानव, इसे तुम जगा दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। दरस दो बड़ा होगा ऐसा तुम्हारा, भटकता ही रहता है ये मनवा हमारा। इसे वश में करने की युक्ति बता दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ओम शांति शांति शांति।